डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो यूनिट चल रहा है, यूनिट फॉर बिजनेस सर्विसेज, इसके अंदर हम लोगों ने अभी रिसेंटली इंश्योरेंस का टॉपिक कंप्लीट किया है। इंश्योरेंस के टॉपिक हमने इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, केस स्टडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सभी चीज़ें हम उसने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद इसी टॉपिक इसी के साथ हमारे पास आता है कम्युनिकेशन सर्विसेज का एक टॉपिक आता है कि कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होती हैं, और इसी के बारे में जो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होती है। इसको डिटेल से आज स्टडी करेंगे कि कम्युनिकेशन सर्विसेज हमारे इंडिया के अंदर किस तरह से काम करती है और किस तरह से कम्युनिकेशन सर्विसेज हमारे बिजनेस के अंदर हेल्पफुल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन का मीनिंग का। कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यू, मैसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन। मीन टू से कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि हम अपने इंफॉर्मेशन को, कोई भी आइडिया है, कोई भी मैसेज है, कोई भी व्यू है, कोई भी थॉट है, दैट इज़ टू बी शेयर बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। हमने दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में एक इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। जो मेनली कम्युनिकेशन सर्विसेज को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज़ पोस्टल सर्विसेज और दूसरा हमारे पास आता है टेलीकॉम सर्विसेज। हमने अपने अकॉर्डिंग टू प्लस वन क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन सर्विसेज है उसको टू पार्ट्स के अंदर किया गया है, दैट इज़ पोस्टल सर्विसेज एंड दूसरा हमारे पास क्या है? टेलीकॉम सर्विसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पोस्टल सर्विसेज को। पोस्टल सर्विसेज नॉर्मली जो हर कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है वो पोस्टल की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और एक स्पेशली पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया जाता है जो कि पोस्ट से रिलेटेड, डाक से रिलेटेड, जो हम लोग लेटर्स भेजते हैं उनके उनसे रिलेटेड एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करती है और वो हमारी सारी पोस्टल की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो चलिए बात करते हैं पोस्टल सर्विसेज के अंदर कि इसकी क्या क्या फीचर्स हमारे पास आती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है या पोस्टल सर्विसेज का जो काम है वो नॉर्मली और जनरली जो है कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट होता है। हर एक कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री में आप देखें तो हर कंट्री के अंदर एक पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया जाता है। हमारे इंडिया के अंदर भी एक पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया गया है जो कि बेसिकली हमें पोस्ट से रिलेटेड है, जो कि हमें यहाँ से हमें अपने सिटी से कहीं बाहर किसी भी एरिया में नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमें कोई भी डाक भेजनी है, कोई भी पोस्ट भेजनी है तो हम उसके थ्रू भेज सकते, कोई लेटर भेजना है, कोई मेल भेजनी है, हम उसके थ्रू पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के थ्रू भेज सकते हैं। दूसरा पॉइंट है पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स सर्विसेज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि पोस्टल सर्विसेज क्या, हमें ये पोस्टल डिपार्टमेंट जो हमें सर्विसेज नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल के ऊपर प्रोवाइड करता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है सम टाइम पोस्टल डिपार्टमेंट आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। आज भी अगर हम देखें तो हमारे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट केवल सिर्फ पोस्टल की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे बल्कि साथ साथ वो हमें फाइनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की कुछ एक्टिविटीज़ वो बैंक वाली भी करते हैं, कुछ सारी नहीं कुछ एक्टिविटीज़, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के अंदर हम लोग सेविंग का अकाउंट खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर हम आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर हम लोग FD फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, किस तरह की कुछ सेविंग की एक्टिविटीज़ जो हैं, सेविंग के टाइप के अकाउंट की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो भी हमें पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पोस्ट ऑफिस आल्सो प्रोवाइड टेलीग्राफिक सर्विसेज। जो टेलीग्राफिक सर्विसेज है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है हमारे बिजनेस के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सर्विसेज भी हमें पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, पोस्टल सर्विसेज आर हाईली रिलायबल, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो हम इसके ऊपर पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं, पूरी तरह विश्वास भी कर सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस जो पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो हमारे बिजनेस के लिए एक हेल्पफुल भी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जो हमारी पोस्टल सर्विसेज हैं इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है स्लो इन स्पीड। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि दैट इज़ फर्स्ट इज स्लो इन स्पीड। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर। जो नेचर वाइज की वो ब्यूरोक्रेटिक नेचर की है, ब्यूरोक्रेटिक मतलब अफसरशाही ज़्यादा इसके ऊपर हावी है। इस दो बेसिकली वीकनेस की वजह से ही आज की डेट में जो सोसाइटी में एक नया से कोरियर सर्विस डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हो गया जो प्राइवेट लोग हैंडल करते हैं, दैट इज़ कोरियर सर्विसेज। ये साइबर है साइमल्टेनियसली ही, जैसे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट हमारी लेटर्स को, हमारी मेन डॉक्यूमेंट्स को, हमारी हमारी जो लेटर्स होती हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाता है, इसी तरह लेकिन पोस्ट ऑफिस क्या है वो गवर्नमेंट का है, लेकिन इसी तरह कोरियर सर्विसेज हमारी इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर एक नया पैरेलल लेवल का बिजनेस क्रिएट हो चुका है, जनरेट हो चुका है, जो प्राइवेट लोग ओन करते हैं और वो लोग ही सेम टू सेम हमारी पोस्ट को, हमारे लेटर को, डॉक्यूमेंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं।
ड्यू टू ओनली दीज टू ड्रॉबैक्स, दैट इज स्लो इन स्पीड एंड ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर। इसके बाद करते हैं, जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो हमें कुछ और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कुछ मेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नियर अबाउट सिक्स है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला इसमें अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, ये थोड़ा थोड़े से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला है यूपीसी। यूपीसी का मतलब अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग कोई, जैसे हम अपनी जो लेटर्स हैं, जो हम जो अपना एनवलप है, वहाँ दो तरीके से पोस्ट ऑफिस के अंदर देते हैं। पहला तरीका तो है कि रेड कलर का बॉक्स लगा होता है, हम उसके अंदर डाल देते हैं। वो उसका हमें कोई, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने कोई लेटर या पोस्ट या कोई एनवलप उस रेड बॉक्स के अंदर डाला है। दूसरा तरीका है कि हम पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ पर उसकी उसको सबमिट करवाते हैं अपने एनवलप को। उसके लिए हम एक फीस देते हैं, 2, 4, 5 रुपये पर एनवलप, पर लेटर, और जिसके अगेंस्ट हमें एक सर्टिफिकेट मिल, जिसके अगेंस्ट हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हमने एक पोस्ट, हमने एक लेटर, हमने एक डॉक्यूमेंट भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को दिया है। नॉर्मली इस तरह की सर्विसेज अब एक्सेप्शनली ही अवेलेबल हैं, नॉर्मली ये सर्विस हमारे अब पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड नहीं करता। दूसरा हमारे पास आता है रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट थोड़ा सा कॉस्टली है। इसके अंदर क्या होता है, जब भी हमें कोई लेटर या एनवलप हमें भेजना होता है, हम उसके ऊपर जो हमारी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की एक पर्टिकुलर फीस है, उस फीस के बराबर की हम लोग स्टैंप्स, टिकट, स्टैम्प टिकट्स होती हैं, उसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं अपने उस एनवलप के ऊपर और वो हम दे देते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के पास। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट क्या करेगा, जिस व्यक्ति के नाम वो लिखा गया है, उस व्यक्ति को ही वो लेटर एज सून एज पॉसिबल पहुंचाया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड, और इसके लिए हमें एक रिसिप्ट भी मिलती है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से। ये थोड़ा सा सेफ हो जाता है कि हमारी पोस्ट पहुंचेगी ही पहुंचेगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास है पार्सल पोस्ट। पार्सल मतलब एक थोड़ा सा सामान, अगर हम कोई सामान या गुड्स या कोई लाइट वेट का कोई सामान हम एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना चाहें, तो उस तरह की फैसिलिटी भी, उस तरह की सर्विसेज भी हमें पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ कॉल्ड पार्सल सर्विसेज। फोर्थ हमारे पास था स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट जो एस्टेब्लिश किया गया है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर, वो स्पेशली एस्टेब्लिश इसलिए किया गया कि हमारे जो मेल्स हैं, हमारे जो लेटर्स हैं, हमारे जो एनवलप्स हैं, वो जहाँ पर हम भेजना चाहते हैं वो एज सुन एज पॉसिबल पहुँचे और पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास देना चाहते हैं उसके पास तक ही पहुँचे। तो इसके लिए भी जो है नॉर्मल पोस्ट थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन इसके अंदर जो पोस्ट हमारी है, जो हमारा लेटर है, एनवलप है, वो टाइमली पहुंचता है और टाइम बाउंड एक्टिविटी है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही लेटर पहुंच डिलीवर हो ही जाएगा। लास्ट में बात करते हैं अदर सर्विसेज। इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस जो है, इसके अलावा भी हमें 2-3 सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम इसके अंदर अकाउंट कर सकते हैं ई बिल पोस्ट फैसिलिटी, या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र की फैसिलिटी, इस तरह की कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज भी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम कम्युनिकेशन के अंदर देखें, तो कम्युनिकेशन मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था पोस्टल सर्विसेज, दूसरा था टेलीकॉम सर्विसेज। तो यहाँ तक हमारा पोस्टल सर्विसेज कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास आता है टेलीकॉम सर्विसेज, जो कि कम्युनिकेशन का दूसरा एक मेजर पार्ट है। टेलीकॉम सर्विस की अगर हम बात करें, तो टेलीकॉम सर्विस जो है वो बैकबोन है हमारी बिजनेस इंडस्ट्री की, बिजनेस एक्टिविटी की। बिना टेलीकॉम सर्विसेज के हम बिजनेस को सोच भी नहीं सकते प्रेजेंट के टाइम पर। ड्यू टू टेलीकॉम सर्विसेज ही आज बिजनेस जो है वो ग्लोबल लेवल पर करना पॉसिबल हुआ है। अब टेलीकॉम सर्विसेज को हम इस पार्ट के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज की डेट में आप सभी स्टूडेंट्स वेल नोन हैं, तो थोड़ा सा हम इसको सिलेबस के पॉइंट ऑफ से डिटेल से करेंगे। पहला पॉइंट, सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। एवरीबडी नो अबाउट सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। इट इंक्लूड्स ऑल मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस, नॉन वॉइस मैसेजेस, डाटा सर्विसेज एंड PCO। इनफैक्ट दे कैन प्रोवाइड डायरेक्ट इंटरकनेक्टिविटी विद एनी अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर। सेकंड पॉइंट की बात करें, रेडियो पेजिंग सर्विसेज। रेडियो पेजिंग सर्विसेज क्या है, इट इज़ एन अफोर्डेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें, ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मीन्स है कम्युनिकेशन का। इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू पर्सन एवरी वन वेयर दे आर वैन दे आर मोबाइल। इनफैक्ट अगर ह्यूमन बींग्स एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहा है, तब भी उस व्यक्ति तक मैसेज जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो आराम से भेजी जा सकती है विद हेल्प ऑफ रेडियो पेजिंग सर्विस। एक छोटा सा डिवाइस होता है रेडियो पेजिंग सर्विसेज के अंदर, उस डिवाइस के ऊपर हर तरह की इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर दिया जाता है। तीसरा हमारे पास आता है इसमें फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। इनफैक्ट दीज आर प्राइमरीली कनेक्टेड थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल लेड अक्रॉस द कंट्री। एक
टोटल सारी कंट्री के अंदर एक फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो बिछाई हुई है, उसके थ्रू हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी गई है। इनफैक्ट दीज फाइबर ऑप्टिक केबल्स प्रोवाइड इंटर कनेक्टिविटी विद अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, हर तरह की टेलीकॉम सर्विसेज को इसने एक इंटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की हुई है। फोर्थ इसमें हमारे पास आता है केबल सर्विसेज। इनफैक्ट केबल सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, केबल सर्विसेज दीज आर लिंकेज एंड स्विच्ड सर्विसेज विद इन लाइसेंस्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट सर्विसेज। जो केबल सर्विस आप घर में केबल लगी हुई है, आप जो बोलते हैं केबल सर्विस के बारे में, तो वो केबल वही है ये कि एंटरटेनमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए केबल सर्विसेज का यूज़ किया जाता है, और एक लिमिटेड एरिया के अंदर, एक लाइसेंस्ड एरिया के अंदर ही वो व्यक्ति अपनी फंक्शनिंग कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स टू वे कम्युनिकेशन, दैट इज वॉइस डाटा एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। टू वे कम्युनिकेशन है मतलब दो तरह की बात इसमें हो सकती हैं, पहले वॉइस डाटा भेजा जा सकता है, रिसीव भी किया जा सकता है, और इंफॉर्मेशन सर्विस इंफॉर्मेशन दी भी जा सकती है और रिसीव भी की जा सकती है। ठीक है जी, इनफैक्ट दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर फीस। चलो इसके बाद हम करते हैं वीसेट। वीसेट की फुल फॉर्म देखिएगा, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। इनफैक्ट वी सेट इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस। अगर हम वी सेट की बात करें, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस है। इट ऑफर्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन सोल्यूशन इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अर्बन और रूरल एरिया के अंदर फ्लेक्सिबल और रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए बिजनेस और गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। वी सेट्स ऑफर रिलायबल एंड अनइंटरप्टेड सर्विसेज। बेसिकली वी सेट यूज किया जाता है रिलायबल और अनइंटरप्टेड, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती, इंफॉर्मेशन जाएगी जाएगी और टाइमली हमें मिलेगी ही मिलेगी। लास्ट हमारे पास आता है दैट इज द डीटीएच। डीटीएच की फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू होम जो ये सर्विसेज, ये सैटेलाइट बेस्ड मीडिया है जो कि बेसिकली जो प्रोवाइड की जाती है सेलुलर कंपनीज प्रोवाइड करते हैं। सैटेलाइट बेस्ड मीडिया है जो कि कौन प्रोवाइड करते हैं, सेलुलर कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। इस तरह की सर्विसेज को रिसीव करने के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए, एक डिश एंटीना चाहिएगा और एक सेट टॉप बॉक्स। हमें दो चीज़ों की, एक सेट टॉप बॉक्स और एक डिश एंटीना की जरूरत पड़ेगी। विद द हेल्प ऑफ दीज टू थिंग्स, ओनली दीज टू थिंग्स वी कैन अवेल द फैसिलिटीज ऑफ डीटीएच। डायरेक्ट टू होम की सर्विसेज को हम हेल्प डायरेक्ट टू होम की सर्विसेज को हम लोग ले सकते हैं। इनफैक्ट दीज वर ऑल अबाउट द टेलीकॉम सर्विसेज। यहाँ तक जो हमने आज ये किया है, ये हमारा बेसिकली कम्युनिकेशन जो टॉपिक था हमारा कम्युनिकेशन सर्विसेज का, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। राइट फ्रॉम अप टू दिस बिजनेस सर्विसेज का हमें बहुत बड़ा हिस्सा कर चुके हैं। होपफुली आप सबको ये वीडियो पसंद आई होंगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।